स्थल कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे न्यायाधीश सुधीर सक्सेना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में कायस्थ सेना के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थ सेना का मुख्य उद्देश्य कायस्थ को एकजुट करना है और लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में कायस्थ सेना नगर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी और राजनीतिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, हम सभी कायस्थों को एकजुट करके मेयर के चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कायस्थ सेना के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर श्रीवास्तव व जिला अध्यक्ष रामलखन श्रीवास्तव ने कहा, कायस्थ समाज को इकट्ठा करके अपने समाज में एक बल पैदा करना है, जिससे हमारे समाज को कोई भी अंगुली नहीं दिखा सके। आज के सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि हम लोग आपस में मित्रता भाव से सद्भावना पूर्वक एक दूसरे का मदद करें, अपने से गिरे हुए लोगों को भी उठाने का काम करें और हमारे समाज के लोगों को जो भी दबाने का प्रयास करें उसे हम ऊपर उठाने का प्रयास करें। आने वाले दिनों में भागीदारी देगा अपना? बिल्कुल, क्यों नहीं देगा। कायस्थ सेना सबके हर समाज के साथ तैयार रहेगा, लेकिन पहला उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने समाज के साथ रहना, उसके बाद तो फिर दूसरे का भी मदद किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। हमारा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ सेना उत्तर प्रदेश। देखते हुए हम लोग कायस्थ महासभा कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक आर्थिक रूप से कायस्थ को आगे बढ़ाना है। लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हम लोग में बिरादरी में कोई जो है आगे नहीं बढ़ा। अब इस चीज़ को देखते हुए हम लोग इस महासभा में अपनी एकता प्रस्तुत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से कायस्थ को एकजुट करें, इसमें देखा जाए तो पार्टियां बन रही हैं? नहीं, राजनीतिक पार्टियां तो बन रही हैं, लेकिन संख्या हमारी भी ज़्यादा है, इसलिए एकजुट करने के लिए कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान हम एकजुटता भी शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको। कायस्थ महासभा जो है अपनी भागीदारी देगा इस बार चुनाव लड़ेंगे। हमारे इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी हैं, ये भी जो है एक दावेदार पक्ष के हैं, जो कि अभी एक मेयर के चुनाव में आ रहे हैं आगे, और इसी से आगे बढ़ते रहेंगे। विधायक के चुनाव में भी आएंगे, एमपी के चुनाव में भी आएंगे, नहीं कहीं से टिकट मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। धन्यवाद। रामलखन हमारा नाम है और मैं कायस्थ सेना का इस समय जिला अध्यक्ष हूँ।